वेलकम फ्रेंड, आयुषी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक दूसरी टाइप का टीवी आया है, सैमसंग का है, फुल एचडी मॉडल है। इसमें हम लाइन दे करके दिखाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो इसको पहले लाइन देते हैं, ये हमने इसमें लाइन दे दिया। देखिए यहाँ पे जो है डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसमें देखिए बैक लाइट इसमें चालू है, इसमें बैक लाइट हमारा चालू हो चुका है, नो इमेज बन रहा है, ठीक है, कोई इमेज नहीं है। तो इसका मॉडल नंबर आपको दिखाते हैं, ये किस मॉडल का है, किस टाइप का है। इसका बैक साइड में सारा जादू है इसमें, तो हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। तो इस टीवी को हमने लाइन दे करके दिखा दिया क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए यहाँ पर बैकलाइट चालू है लेकिन इसमें कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत है। पहले इसका बैक साइड खोल कर दिखाते हैं, इसे क्या मॉडल नंबर है, इसमें क्या क्या सिस्टम है आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको बंद करते हैं, फिर से इसको टीवी को हम घुमाते हैं। तो दोस्तों, हमने टीवी को घुमा लिया है। देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इसका मॉडल नंबर दे ले, देखिए पहले UA32M5570AUMXL, ठीक है, इसका मॉडल नंबर। तो इसमें क्या क्या सुविधा है, देखिए यहाँ पे आप जो है बिना सेटअप बॉक्स के इसको चला सकते हैं डिश टीवी में, ठीक है। यहाँ पे डिश टीवी का जो है सिम कार्ड इधर डाला हुआ है, तो इस सिम को हम निकाल भी सकते हैं। देखिए ये हमने, देखिए ये सिम निकाल दिया है, एक तरह से ये हमारा इसमें इंक्लूड सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह का है, यहाँ पे इंक्लूड सेटअप बॉक्स है डाला हुआ है। तो ये हमारा जो कनेक्टर है इसको हम इस तरह से लगाएंगे, ये लग गया। और ये हमारा जो है वीसी कार्ड है, जो डिश टीवी का जो है हमारा, इसमें इस आईडी पे रिचार्ज करने से, सिर्फ इसमें डिश एंटीना लगाने से, यहाँ पे यहाँ से डिश एंटीना में कनेक्शन जाएगा। ये हमारा एंटीना का कनेक्शन है, ठीक है। तो हम इस तरह से इस सिम को इधर डाल देते हैं, ये लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको दिखाते हैं फोल खोल करके। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये एक अलग मॉडल का टीवी है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है और क्या सिस्टम है अंदर में, हम आपको इसका ढक्कन वगैरह खोल करके दिखाते हैं, ठीक है, तो देखते रहिए। तो देखिए हमने इसको जो है ढक्कन इसका निकाल लिया है। इसका बोर्ड देखिए, इस बोर्ड का साइज़ देखिए, फुल एचडी स्मार्ट टीवी है। यहाँ पे हमारा जो सिम लगता है यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये भी देखिए सैमसंग का कितना पुराना मॉडल है, लेकिन इसमें स्मार्ट दिया गया है, फुल एचडी है। यहाँ पे एक पावर सप्लाई भी है, शायद ही देखा होगा किसी ने भी इस तरह का मॉडल का टीवी है। देखिए तो हम इसको देखिए कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है, थोड़ा इसको साफ भी करेंगे, उसके बाद इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको एसी सप्लाई फिर से लगा दिया है, और यहाँ पे देखिए स्पीकर किस तरह का स्पीकर है, ठीक है। ये देखिए ये स्पीकर हमने इसका खोल लिया है। दोनों स्पीकर हमको जो है पहले निकालना होगा, पहले दोनों स्पीकर हमें खोलना पड़ेगा इस तरह से। ये हमारा जो है इसका सेंसर है, देखिए जो रिमोट कैच करता है वो सेंसर है। और यहाँ पे हमारा जो है स्मार्ट वाईफाई लिखा लगा हुआ है, जो अपना मोबाइल से चलता है और हॉटस्पॉट भी चलता है, ठीक है। स्क्रीन मिररिंग भी होता है, इसी से होता है। तो हम इसको हटा लेते हैं, दोनों स्पीकर और मॉड्यूल को भी हटा लेते हैं।
ये हमारा टीवी जो है नंगा हो गया है, कभी तो हमने एसी सप्लाई इसका ऑन कर दिया। देखिए इंडिकेटर हमारा शो हो रहा है, बैकलाइट भी जल गया है, लेकिन इसमें कोई इमेज नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें कोई इमेज नहीं है, देखिए कोई इमेज नहीं है। तो इसको पलट के देख लेते हैं, इसमें इमेज नहीं बन रहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें सारा वोल्टेज वगैरह हम चेक करेंगे, क्या क्या वोल्टेज इसमें मिसिंग है। इसको पहले इसको निकालना होगा, निकाल के ही हम देख सकते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने टीवी को पहले लाइन देना है, ये हमने लाइन इसमें दे दिया और ये इंडिकेटर हमारा चल गया, यहाँ पे बैकलाइट भी चालू हो गया। तो अभी हमें देखना पड़ेगा पहले इस टीकोन बोर्ड में जो सप्लाई आता है वो सप्लाई सही से आ रहा है या नहीं। देखिए मीटर की तरफ देखिए, ये हमारा इसका फ्यूज़ है, देखिए 12 वोल्ट सप्लाई हमारा आ रहा है, मतलब ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है इस फ्यूज़ में आता है, ठीक है। और ये जो है इधर इंडिकेटर जला हुआ है, ये हमारा 3.3 वोल्ट सप्लाई इधर आ रहा है, तो चेक करके दिखाते हैं 3.3 वोल्ट हमारा आ रहा है या नहीं। देखिए 3.3 वोल्ट हमारा रेडी है। इसमें जो एक बात है दोस्तों, यहाँ पे AVDD वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे AVDD वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा, तो ये जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेटर है 3.3 बन रहा है, इसीलिए इंडिकेटर शो रहा है, और यहाँ पे AVDD और VGL वोल्टेज बनना चाहिए, तभी हमारा ये जो इंडिकेटर है, इधर एक इंडिकेटर है, ये भी जलेगा। तो ये AVDD और VGL वोल्टेज इधर नहीं आ रहा, इसीलिए हमारा ये इंडिकेटर भी नहीं जल रहा, तो इसीलिए हमारा टीवी जो है स्क्रीन हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। तो हमें देखना होगा ये क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है। एक तो इधर एक इंडिकेटर है, ये आराम से जल रहा है, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से जल रहा है, लेकिन ये इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा है इधर, ये वाला, ठीक है। इसमें एक सुविधा है, आपको पता चलेगा AVDD और VGL वोल्टेज बन रहा है नहीं, हमको इंडिकेटर मिलता है इधर। तो देखिए ये फुल एचडी पैनल है, देखिए इसको अभी तक किसी ने भी इसको छेड़ा भी नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश पीस है। तो देखिए आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा हमने क्या क्या किया, कैसे इसको रिपेयरिंग किया। तो पहले इसका हम सारा कुछ आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसका सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कोई भी एक हम बेल्ट उतार देंगे तो इसका वोल्टेज हमारा ठीक से चलाएगा, इसका अगर बेल्ट उतार देंगे तो कहीं काम नहीं करेगा, ये बेल्ट जो है हमको इधर लगा ही रहना होगा, तभी इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, रेगुलेट होगा, ठीक है। तो ये बेल्ट हमको उतारना नहीं है, इसी तरह से हमको इसको रिपेयरिंग करना है, ये सारा कुछ लगा रहेगा उसके बाद ही ये रिपेयरिंग होगा, ठीक है, देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वोल्टेज तो हमें इधर नहीं मिल रहा, इसका जो है BGH और AVDD, इधर BGL और AVDD वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक बेल्ट उतार करके उसमें CKB लाइन जो है इसका ब्लॉक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है CKB लाइन शॉर्ट होने से हमारा ये वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो पहले इसका CKB लाइन को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे वोल्टेज हमारा, ये जो इंडिकेटर है ये हमारा जलता है या नहीं, अगर इंडिकेटर जल गया तो हमारा TV जो है ओके हो जाएगा। तो पहले इसका CKB लाइन ब्लॉक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले इसमें जो हमने बताया था ये FFC केबल जो है हमको नहीं खोलना है, तो पहले जो है हम इस साइड का CKB लाइन कैसे ब्लॉक करते हैं, इसका पहले हम एक इस बेल्ट को निकालते हैं, धीरे से यहाँ पे हम इस बेल्ट को निकालते हैं,
तरह से हमको सावधानी से निकालना होगा। ये हमने बेल्ट को इधर से बेंड कर दिया थोड़ा सा, तो आपको गिनती से देखना पड़ेगा सीकेवी लाइन कैसे होता है। इधर से हमें कम से कम 8 ट्रैक को जो है छोड़ करके, उसके बाद हमको 8 ट्रैक इधर से छोड़ करके इधर हम सेलू टैप से इधर ब्लॉक करेंगे। और किस तरह से ब्लॉक करते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखो नीचे नीचे, इस तरह से हमें ब्लॉक करना पड़ता है। देखिए, अगर ये ब्लॉक करने के बाद हम इसको लगा देते हैं, उसके बाद अगर ये ब्लॉक करने के बाद हमारा इंडिकेटर जो है अगर शो होने लगा है तो हमारा इमेज भी बनेगा। इधर जो हमारा इंडिकेटर है ये हमें बराबर दिखाई देना चाहिए। इसको प्लग करते हैं, पहले इसको लाइन देके देखते हैं। ये हमने लाइन दे दिया और ये जो है बैकलाइट भी ऑन हो चुका है। नहीं, ठीक है, इंडिकेटर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो हमें इधर ब्लॉक जो है ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसमें अच्छे से ब्लॉक करेंगे। देखिए किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। काम तो कुछ नहीं है, पकड़ में आना चाहिए, काम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ जो है दिमाग में होना चाहिए, तभी आप कोई भी काम कर सकते हो। इंडिकेटर देखिए हमारा इधर अभी जल रहा है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर हमारा शो हो रखा है, तो अभी इसमें हम पिक्चर देखेंगे इमेज बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम पिक्चर लगा के भी दिखाएंगे अगर इमेज बन रहा हो तो। देखिए दोस्तों, इधर हमारा इमेज भी बन चुका है। देखिए फुल HD स्मार्ट TV है, इसमें हम कोई भी सिग्नल लगा के आपको पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर सही से आ रहा है या नहीं देखते रहिए। तो हम इसमें पहले लाइन देते हैं, फिर से इसमें हम देखेंगे। ये अभी देखिए सैमसंग का स्मार्ट TV लिखा आ गया, तो अभी देखते हैं इसमें इमेज बन रहा है या नहीं। ये हमारा देखिए डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ रहा है, तो यहाँ पे हम सोर्स दबाते हैं। ये देखिए आ गया पिक्चर क्वालिटी। देखिए दोस्तों, बढ़िया से पिक्चर क्वालिटी हमारा जो है बढ़िया से आ चुका है, तो TV हमारा जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, कलर वगैरह बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।